भैया रो राम राम, हमें तो चिंते ही हुई हो, का नाम है वो? बहुत बहुत धन्यवाद। लाल मिर्च हरी मिर्च मिर्च बड़ी तेज, और हमारी दीदी दीदी दादी हमारी जीजा जी बड़े तेज। भी बुंदेली भाषा की छाप छोड़ गया है, अपन जहाँ भी जावे जब तक अपने अंदर से अपनत्व नहीं आए अपनी क्षेत्रीय बोली के लाने, तब तक दुनिया को कोई प्राणी अपन के लाने नहीं बुलवा सका। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, बुंदेली पहुंचा सचिन भैया को, बेबा भैया को सब लोग जानते हैं, और करीब 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, और रोज अपन उनकी बुंदेली लाइव भी देखते हैं, और बुंदेली चैनल के माध्यम से उनके कार्यक्रम हम लोगों के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उन लोगों ने तैयार किया है, सचिन भैया ने, वैभव भैया ने, पूरी टीम ने। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें सचिन भैया का। हमें लगता है कि हमारे हटा में बुंदेलखंड में ये तालियां बहुत कमजोर है सचिन भैया के लिए, वैभव भैया के लिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सचिन चौधरी जी का, वैभव भैया का। हम हैं बुंदेली बौछार से केतन दुबे, और हम बुंदेली बौछार और आपके बीच एक पुल को काम कर रहे थे, यानी कि एक जो कम्युनिकेशन होते है आप वो हमारे जरिए करके बुंदेली बौछार तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले तो आप सभी जनन को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी संख्या में इतने कम समय में आप जने सब इतने इकट्ठे हुए। आज को कार्यक्रम करवे को एक छोटो सा उद्देश्य है, तो कि सबसे पहले आपको या एक खुशखबरी दे दें कि बुंदेली बौछार के फेसबुक पे जो हमारे फॉलोअर की संख्या है वह 3 लाख पार कर, सब आप ही लोगों की वजह से है। तो वह सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो हमारे दमोह और हटा के दर्शकन की, उसके बाद हमारे जितने दर्शक हैं नहीं इसके अंदर नहीं ना हम उसके बाद अगर हम YouTube की भी बात करें तो बहुत ही कम समय में हम लोगों ने लगभग 1,80,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, ये भी आप ही लोगों की वजह से। तो बुंदेली को आगे बढ़ाने के लिए जितना प्रचार कर सकें उसका जितना प्रचार कर सकें, उस उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि बुंदेली को हर जगह एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिले। अमूमन होता क्या है कि बुंदेली के कई कलाकार होते हैं, कई ऐसी हस्तियां रहती हैं जो विलुप्त हो जाती हैं, लोगों के सामने नहीं आ पाती, और दूसरा हमारी भाषा के ऊपर भी एक संकट चल रहा है, तो लोग भूलते जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में जो हमारे बच्चे हो या जो नई जनरेशन आने वाली है वो बुंदेली पूरी तरीके से भूल जाए, और जब कभी उन्हें कुछ बुंदेली के शब्द सुनाई दें तो वो ताज्जुब ऐसा करें कि ये क्या बोल रहा है सामने वाला। तो कोशिश हम लोगों की इस प्रकार की है कि बुंदेली भाषा को पूरी तरीके से जीवित रखें और उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो पूरा सम्मान मिले। तो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी है कि जैसा आप समझ रहे हैं कि बुंदेली बौछार का एक जनसंवाद का एक कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। कार्यक्रम के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों तक जनता की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हकीकत में ग्राउंड जीरो पे जो जैसे हम यहाँ आज खड़े हुए हैं हटा पे, तो हटा की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, जो समस्याएं हमारे जनप्रतिनिधि जानते तो हैं लेकिन उनसे अनजान बनने की कोशिश करते हैं। तो बुंदेली बौछार के माध्यम से हम एक ऐसा आपके बीच और प्रशासन के बीच और सरकार के बीच एक ऐसा माध्यम बनाना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ उन तक हम पहुंचा सकें। साथ ही साथ यहाँ के जितने भी उभरते हुए नए कलाकार हैं या पुराने कलाकार हैं, उन सबको हम एक ऐसा मौका देना चाहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो बुंदेली बौछार के माध्यम से जितना नाम कमा सकें, जितनी शोहरत कमा सकें, वो सब कर सकें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच एक नन्हे बाल कवि हैं, वो अपनी प्रस्तुति से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। अनुज पटेल, आइए अनुज जी, तालियों से स्वागत करिए। बहुत हिम्मत लगती है इस उम्र में स्टेज पे आके किसी भी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं बीरस का बाल कवि अनुज पटेल माँ बीड़ा बाबनी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, और हमारे यहाँ पधारे समस्त देशवासियों को हृदय से बंधन अभिनंदन करता हूँ, और बुंदेली बौछार को नमन, और माँ सरस्वती के चरणों में चार पंक्तियाँ वंदना के रूप में पढ़ना चाहता हूँ कि जय हो माँ सरस्वती, जय हो माँ सरस्वती, श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि की, हंस वाहिनी बीड़ा बाबनी और महारानुति बुद्धि की, मैं बालक नादान माँ कंठ में हो विराजमान, भारत माता की महिमा गानी है, वो आज के उत्सव पर हटा वासियों को कविता सुनानी है। गीत वंदे मातरम की भावना का गाता हूँ,
गीत वंदे मातरम की भावना का गाता हूँ। माँ भारती की पिता को आप तक पहुँचाता हूँ और चार पंक्तियाँ पढ़ने से पहले आप सभी के चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ, तालियों से आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बीरस का बाल कभिंज पटेल किसकी गाथा लिखता हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से बतलाता हूँ। अरे अरे जिसकी जूती की चरमाहट से मुगले का पकड़ते थे, कि जिसकी घोड़ों की टापों की टप टप से सैनिक भागा करते थे, कि जिसकी साफा और पगड़ी से सिंहासन डोला करते थे, कि जिसकी हुंकारों से मुर्दा भी बोला करते थे, ऐसे वीर से वाराणा सुबह से कि गाथा लिखता और सुनाता हूँ, सैनिक के चरणों में अपना सादर शीश झुकाता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बीरस का बाल कभिंज पटेल किसी राजनीति शब्दावली की गाथा नहीं गाता हूँ और ना ही किसी राजनीति पार्टी का गुणगान गाता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य और एक ही संकल्प है, संपूर्ण भारत वर्ष में राष्ट्रीय विचारधारा और देशभक्ति की भावना जगाना। तब मैं पटेला कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि गली गली व गांव शहर में, गली गली व गांव शहर में देशभक्त की भावना जगाऊंगा, बात मत तेरे खातिर गीत बदन कर गाऊंगा, भक्त प्रेम अब तेरे खातिर बोटी बोटी बच जाऊंगा, इंचों में कट जाऊंगा और अपनी प्यारी प्यारी बात मत की लाज बचाऊंगा, वरना बचपन में ही मत जाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बीरस का बाल कभिंज पटेल क्या लिखता हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से बतलाता हूँ। ना पायल ना दिल घायल, ना पायल ना दिल घायल, ना प्यार मोहब्बत का गुणगान गाता हूँ, ना मेहंदी ना रोली ना चूड़ी ना कंगना, ना दुल्हन का सिंगार लिखता हूँ, सुभाष की बोली इंकलाब की टोली आजाद की गोली लिखता हूँ, वंदे मातरम का गान तिरंगे की शान वतन ये हिंदुस्तान लिखता हूँ। न चूड़ी कंगना की खनखन, न पायल घुंघरू की छमछम, न चूड़ी कंगना की खनखन, न पायल घुंघरू की छमछमे, न प्यार मन का संगीत लिखता हूँ, न लैला न मजनू न राम रहीम की हनी प्रीत लिखता हूँ, तो क्या लिखता हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से बतलाता हूँ। चंद्रशेखर आपकी गोली की मार, हमारे लिए शिवाय की चमकती तलवार, भारत माता की जय जयकार लिखता हूँ, रघुकुल की रीत माँ भारती के चरणों में शीश, देशभक्ति की प्रीत लिखता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, ना बहुजन समाज पार्टी, ना आम आदमी पार्टी, ना कोई दल, मैं किसी का गुणगान नहीं गाता तब पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ, कि ना किसी पार्टी की चाटू करता ना राजनीति शब्दावली का धंधा हूँ, कि ना किसी पार्टी की चाटू करता ना राजनीति शब्दावली का धंधा हूँ, ना किसी पार्टी का सूरज ना किसी पार्टी का चंदा हूँ, दुश्मन की छाती पर लहराता तिरंगा झंडा का मैं भूटंडा हूँ, और लाभ देता हूँ तब जल जैसे आतंकवादियों के लिए फांसी का फंदा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि सेना को दो आदेश कि पूरा पाकिस्तान हिला दो, कश्मीर पे आप दिखाने वालों को जिंदा जला दो, और इन आतंकवादियों की मुंडियां काट करे भारत के पागल कुत्तों को खिला दो, मेरे प्यारे देशवासियों अब तो तालियां बजा दो। रक्षा करूंगा मैं भारती के मन की, रक्षा करूंगा मैं भारती के मन की, तिरंगे की शान की और राष्ट्र की तो राष्ट्रगान के सम्मान की, जय जवान की जय किसान की, जय बोलो पूरे हिंदुस्तान की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि अरे अरे हम जिस दिन दिल्ली के लाल किले से भारत ममता की जय बोलेंगे, अरे हम जिस दिन दिल्ली के लाल किले से भारत ममता की जय बोलेंगे, तो चीन पाकिस्तान क्या संपूर्ण विश्व के सिंहासन डगमग 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 डोलेंगे, और आतंकवादियों के आकाओं के अब्बा भी वंदे मातरम में और भारत माता की जय बोलेंगे। पाकिस्तान, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से कहना चाहता हूँ कि कश्मीर को गिद्धों की तरह मत देखें, पीओके के बारे में सोचें, तब पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने तुझे तुम घर में घुस कर मारेंगे, इमरान तुम्हारे शो आतंकी बापों को घुटनों के बल लेंगे और पीओके बलूचिस्तान में जाकर भारत माता का झंडा गाड़ेंगे।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं चीन और पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि कश्मीर नहीं देंगे हम, कश्मीर नहीं देंगे हम, लाहौर कराची बांटेंगे। अब आ कुटी भात पे तो गाजर मूली से काटेंगे। जिस दिन ठान लिया सेना ने तुम्हारे अब्बा भी भारत माता के चरणों में माथा टेकेंगे। भारत माता की, भारत माता की। यही हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की प्रतिभाएं हमारे चैनल के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड में और पूरे भारत में पहुंचे। बुंदेली बौछार का जो हमारा नगर संवाददाता है आपके हटा में, वो है रविकांत भदौलिया। आइए, आपको कभी भी लगता है कि कोई ऐसी प्रतिभा आपके बीच है या कोई भी ऐसा समाचार है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो आप बेहिचक रवि से संपर्क करिए। रवि वो समाचार हम लोग तक पहुंचाएगा और वो समाचार हम पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो रवि हमारे यहाँ पे आधिकारिक प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप लोग इनसे परिचय कर लीजिए रवि से। हटा में बुंदेली बौछार चैनल देखता हूँ और जो सचिन भैया का है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जनता की बात चैनल पर जाए और उसका निराकरण निकले। आपकी एक शहर की बेटी है दिशा सिंह, तो एक गाने की प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष दे रही हैं। तालियों से उत्साहवर्धन करें। आप लोग एक नए तरीके का डायलॉग सुन रहे होंगे जो आमतौर पर परिचय में लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं कि राम राम भैया और हमें तो चिंता ही हुई हो। तो अब ये डायलॉग आप जैसा है कि आप लोग
आप लोग तक तो पहुंच ही चुका है, कई नेता लोग भी कॉपी करने लगे हैं। अब जब वो अपना परिचय देते हैं तो वो भी बोलने लगे कि राम राम भैया और हमें भी चिन्हित हुई हो। तो बुंदेली बौछार के संपादक और बुंदेली की इस सोच को आगे बढ़ाने वाले हमारे संपादक जी को हम बुलाना चाहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सचिन चौधरी जी। भैया तो राम राम, हमें तो चिंता ही हुई हो, का नाम है वो? बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेली भाषा को, बुंदेली बोली को मान सम्मान दुआवे के लाने, बुंदेली भाषा के मान सम्मान को बढ़ावे के लाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी पहचान के लाने एक बहुत छोटी सी कोशिश शुरू भई थी करीब 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के टाइम पे। और जब कोशिश आज ई मुकाम पे पहुंची कि पूरी दुनिया में 50 देशों में बुंदेली बौछार देखो जा रहा हो, लगभग 3 से 5 करोड़ दर्शक हर महीना बुंदेली बौछार को देखते हैं। और हमें नहीं लगा तो कि हम इतनी, मतलब हमारी तो सफलता नहीं कह सकते, लेकिन जी तरीके को बुंदेली बौछार को सफल रहो उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि जो भी बुंदेली बौछार के दर्शक हैं वे अपने आप को ही को मालिक मानत, जो हमें लगा पूरे हिंदुस्तान के कोनो मीडिया इंडस्ट्री में नहीं हुई है कि दर्शक अपने आप को कोनो संस्थान को मालिक मानवे। रात के 11 बजे वो फ़ोन करके हमसे कहते कि भैया ये जो आपने कार्यक्रम करे इसमें तना कमी है या इसमें अच्छाई करने, रात के 11 बजे भी वो फ़ोन करत, सवेरे 7 बजे भी करत। और जहाँ सबसे खूबसूरत बात है और यही वजह से हमें लगे कि अब जो बुंदेली बौछार को जो समाचार माध्यम कह लो या मनोरंजन को माध्यम कह लो, ऑनलाइन मीडिया को माध्यम कह लो, अभी माध्यम से आगे बढ़ने की बात भी चाहिए। और जो लाखों लोग बुंदेली के नाम, जी हमारे नाम पे नहीं जुटे, हम तो कोनू अस्तित्व में नहीं आते, एक आम आदमी सब हैं, लेकिन ये बुंदेली के नाम पे अगर कोनू चीज़ आगे बढ़ी तो जी तरीके को समर्थन लोगों को मिले उस समर्थन को आगे बढ़ाओ जाए और एक ऐसी मुहिम शुरू करी जाए जिसे बुंदेली को झंडा पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बुलंद होवे। और यही के लाने हम निकले हैं और हमारा सौभाग्य है कि बुंदेलखंड की काशी जी को कही जात, उप काशी जी को शंकराचार्य जी ने नाम दो तो हटा से हम ही कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारे लाने बेहद गर्व की बात है। और आप सब लोग उनको बहुत धन्यवाद कि हम अचानक 1-2 दिन पहले हमने कार्यक्रम रात के 11 बजे हम लाइव कर रहे थे, लोगों ने कि भैया आप आओ तो मिलत नहीं है, तो हमने कहा आप सबसे मिलवे कोई कार्यक्रम शुरू कर दें। तो हम आए 2 दिन पहले सूचना थी, आप सब लोग इतनी संख्या में आए, आप सब लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे बड़ी बात के बुंदेली बौछार या फिर बुंदेली को आगे बढ़ावे की जरूरत काय पड़ी, बुंदेली को आगे बढ़ावे की जरूरत इसे पड़ी काय के भगवान राम जब लंका पे विजय पाई उसके बाद उनसे कई विभीषण ने के प्रभु जब सोने की लंका है कहते अयोध्या जा रहे, तो भगवान राम ने एक ही बात कही कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गा दपी गरियसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है और जी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं है वो ना तो अपनी मताई से प्यार कर सकत ना अपनी मातृभूमि से प्यार कर सकत। तो बुंदेली के लाने ऐसे कौन भी आदमी, आप देखो पंजाब में जाओ पंजाबी बोलत के नहीं बोलत, गर्व से बोलत, कनाडा में भी सवरे पंजाबी बोलत के नहीं बोलत, साउथ में जाओ मलयालम वालों मलयाली बोले, केरल वालों अपनी भाषा बोले, कर्नाटक वालों कन्नड़ बोले, हम बुंदेली में बोलत में शर्मा उठते के भैया बुंदेली बोले तो गांव को कन लगे, काय कन लगे भैया, और के तो गांव को क्वाबो को गुनाह है का नहीं है, गांव ही से तो पूरे बड़े बड़े लोग निकल रहे। तो अगर हम अपनी मातृभूमि को परिचय बतावे में अगर शर्मा उठे, आप बहुत सारे लोग ऐसे हुई हैं भोपाल जे बम्बई जे दिल्ली में जानी बताए हम हटा के हैं, भोपाल से आए हैं काय बताओ भैया, हम हटा से काय नहीं बताएं, हम जा कहें का हम हिंदी वाए काय हैं, हम तो बुंदेली वाए हैं, हमें बुंदेली भी आउ, हमें हिंदी भी आउ, हमें अंग्रेजी भी आउ, हम उर्दू के शब्दन को भी प्रयोग करत, लेकिन अगर हम अपनी मातृभूमि की पहचान बनावे में शर्म महसूस कर रहे तो उसे बड़ा पाप इस धरती पर जन्म लेवे के बाद हमने कौन नहीं करे, काहे के अगर हमें अपनी मातृभूमि की बात है सबसे पहले जितने हमने जन्म लो, सबसे पहले जी माँ की कोख से जन्म लो, सबसे पहले जो बात हम बोल रहे उस बात पे गर्व करने आए कि इतने हम पैदा भए, ये भारत माता का, मान लो आज हम भारत में रह के बुंदेली पे शर्मा रहे तो हम विदेश में जाके भारत पे शर्माने लगेगा, नहीं शर्माने ना। तो जब हम अपनी मातृभूमि चाहे मिते पैदा भए, चाहे हम हटा में पैदा भए, चाहे दमोह जिला में, चाहे बुंदेलखंड की धरती पे, मध्य प्रदेश पे, हिंदुस्तान पे,
तब जाके हम प्रतिनिधित्व करें पूरी दुनिया में कितों भी हुई है। तो बुंदेली भाषा के मान सम्मान की जो प्रयास है, और ये प्रयास में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप सब लोगों से शेयर करने के बाद हम आप सब लोगों के बीच आके आपकी भी सुने के जो भी लोग बुंदेली को बदनाम करने को काम कर रहे हैं उन लोगों को बहिष्कार करने, बुंदेली के नाम पे गाना होए बजाना होए जो कछु करने सब करो, सबको स्वागत है, सबको सहयोग करने, लेकिन बुंदेली के नाम पे अश्लीलता फैलावे वालन को, बुंदेली के नाम पे गाली गलौज फैलावे वालन को सहयोग कतई नहीं करने, चाहे हम होए चाहे दुनिया में कौन भी होए, काहे के हम ई मातृभाषा को सम्मान बढ़ावे की कोशिश कर रहे हैं। और आज स्थिति जाहे कि आप सब लोग जब देखत हो दर्शक संख्या देख के मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता बुंदेली बोछार पे इंटरव्यू दे तो गर्व से दे और बुंदेली भाषा में दे, और जिनको बुंदेली नहीं आओ भी आधी अधूरी बुंदेली बना के दे, और जो केवल इसे नहीं है कि हमारा कौन महत्व है, महत्व इसे है कि जब बुंदेली बोछार की पहचान पूरी दुनिया में पहुंची, दुनिया के 50 देशन के लोग देख रहे, दिल्ली में मुंबई में जितने भी बुंदेली समझ वाले लोग हैं, नेता को क्या चाहने, वोट चाहने के नारे चाहने, दर्शक चाहने, तो जब उनको दर्शक मिले तो करोड़न में मिले, तो हम कह रहे हैं हम आपको दुनिया के भी नेतन को दो लाए दो शब्द हम बुंदेली के बुलवा दें, अगर अपन को मान सम्मान बढ़े, अपनी पहचान खुद से है, दूसरों को हमारी पहचान नहीं बना सकत, तो आप सब लोगों से बस जो ही निवेदन है कि बुंदेली के मान सम्मान के लाने जो काम शुरू भाव है, जो काम एक मीडिया चैनल के अलग रख के भी सोचो और उनमें सहयोग करो, हो सकत हम जो जो लोग हमारे संग नहीं आ वो चाहे भी अकेले दम पे कर में खुद कर में हम उनके संगे आ जाए, लेकिन बुंदेली के मान सम्मान को लेकर काम करने, और भविष्य में बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारा बहुत जल्दी न्यूज़पेपर की भी तैयारी है, जी में भी पहली बार ऐसा प्रयोग हुई है कि हिंदुस्तान में कौन अखबार बुंदेली और हिंदी में मिश्रित छपे, हिंदुस्तान में आज तक बुंदेली को अखबार नहीं देखी हुई है आपने, हम वो भी ले आ रहे और आप सब लोगों के भरोसे ले आ रहे कि जो प्यार अब तक आप लोगों ने दो है बुंदेली को, बुंदेली बोछार को, वो प्यार आगे भी आप लोग देते रहो। और आज जो ये कार्यक्रम को मकसद है कि हम अपनी बात आप सब लोगों के बीच में रखवो चाह रहे थे, और जो भी आप सब लोगों की बातचीत है वह पूरी बातचीत भी आपके बीच में अब हम आए दो मिनट बाद, और ई के बाद आप सब लोगों से आपकी बात रखें, और बुंदेली के जो कलाकार हैं या बुंदेली भाषा में कौन भी प्रतिभा आप लोगों को दिखाई देवे, कौन बच्चा बूढ़ा जवान महिला पुरुष को भी दिखवे, आप हमारी टीम से संपर्क करियो, उखो मंच देवे को जिम्मेदारी हमारी, हमारे ना कौनू भी व्यक्ति के मंच देवे को कौनू पैसा नहीं लगत कि आपको गाना दिखाने आपकी प्रतिभा दिखाने आपको भाषण रखा, हमारा कौनू पैसा नहीं लगत, केवल प्यार लगत, प्यार से बोलियो सचिन भैया जो पहुंचाओ वो सारे लोगों को मंच देवे को काम बुंदेली बोछार करे, कहा कि आप लोगों ने बुंदेली बोछार को इस स्तर पे पहुंचाओ कि हम कोऊ के लाने कछू कर पाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सचिन भैया आपका। और अब आपके ही शहर की एक प्रतिभा है तो बेटी बचाओ पे शायद इनका प्रोग्राम है, ऐसा ही है कुछ जी, आ जाएं बेटी बचाओ लोकगीत इनका सुनिएगा, फिर आपके बीच होंगे सचिन भैया, और जो आपकी समस्या है अगर पेन कागज लिए हैं तो वो लिख लें, तो वही आप अपने प्रश्न सचिन भैया से कर सकते हैं, और आपके प्रश्न देश और विदेश जहाँ भी पहुँचाएंगे सचिन भैया लेके जाएंगे यहाँ से, तो जो आपके शहर की समस्या हो गाँव की हो आप इस मंच से कह सकते हैं। हाय बात मान लो भैया जी बिटिया बचाओ बात मान लो, हाय बात मान लो भैया जी बिटिया बचाओ बात मान लो, देख लेन दो दुनिया भेजो भगवान, देख लेन दो दुनिया भेजो भगवान, नाहत में इतने कह हो रहे हैरान, बात मान लो है बात मान लो भैया जी बिटिया बचाओ बात मान लो, मुख्यमंत्री कैयक बनी डाकटा, मुख्यमंत्री कैयक बनी डाकटा, राष्ट्रपति बन गई कई बनी मास्टर, बात मान लो है बात मान लो भैया जी बिटिया बचाओ बात मान लो।
लड़कन से कम का है बिटिया बताओ, लड़कन से कम का है बिटिया बताओ, चील गाड़ी उड़वा लो सीम पे अड़ाओ, बात मान लो है बात मान लो भैया जी बिटिया बचाओ, बात मान लो। लाड़ी लक्ष्मी योजना में नखो जुड़वाओ, लाड़ी लक्ष्मी योजना में नखो जुड़वाओ, तनक बड़ी हो वैसो पढ़वे पहुँचाओ, बात मान लो है बात मान लो भैया जी बिटिया बचाओ, बात मान लो। अनुरागी कह रहे के भूले न राव, अनुरागी कह रहे के भूले न राव, बिटियन हो मार हो तो बहू का सलाओ, बात मान लो है बात मान लो भैया जी बिटिया बचाओ, बात मान लो है बात मान लो भैया जी बिटिया बचाओ, बात मान लो है बात मान लो है बात मान लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब इसके बाद सचिन जी आपके बीच में होंगे। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी और हटा में हम पहुंचे हैं बुंदेली संवाद कार्यक्रम के लाने, और बुंदेली संवाद कार्यक्रम में इकट्ठे होकर के लाने तमाम सारे लोग हटा नगर के और आसपास के जुड़े हैं। और तीन हमारे जो बुंदेली संवाद कार्यक्रम है उनके तीन विषय हैं, तीन ही विषयों पर हम अलग अलग बात करें, और जो लोग भी जी विषय पर बोलवो चाहो उ विषय पर थोड़ा सा इशारा कर दियो तो हम उनके पास आएँ। पहला विषय है बुंदेली भाषा को आगे बढ़ावे के लाने का करें चाहिए, यानी बुंदेली भाषा को विकास। दूसरा विषय है हटा और बुंदेलखंड के युवाओं को या इतने के लोगों को मध्य प्रदेश के विकास में का योगदान हो सका। और तीसरा विषय है हटा नगर के विकास को लेकर पूरी चर्चा। तीन विषय हैं अलग अलग और तीन ही पे चर्चा करें 15-15, 20-20 मिनट की। जो लोग भी जी विषय पर बोलवो चाहें उ विषय पर अपनी तरफ से थोड़ा सा आप इशारा कर सकत और अपना नाम सब लोग बताएं, परिचय दें और हम कार्यक्रम को शुरू कर दें। सबसे पहला विषय है कि बुंदेली भाषा को विकास कैसे हो सकत। बुंदेली भाषा एक ऐसी भाषा है जो हिंदुस्तान में लगभग 5 करोड़ लोग बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और ये भाषा को उत्तर प्रदेश में भी बोले जात, मध्य प्रदेश में भी बोले जात, मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा हिस्सा बुंदेली भाषा बोलते हैं, और इतने के जो लोग पूरे देश और दुनिया में फैले हैं वे सब लोग भी बुंदेली भाषा को जानते हैं, समझते हैं। आप सब लोगों से निवेदन है भैया आप आओ आगे, कितने आ जाओ। क्या नाम भैया आपको? राजेश पटेल। राजेश भैया, बुंदेली भाषा के विकास के लाने का आपकी सोच है क्या भाई? बुंदेली भाषा के विकास के लिए हम ये बात रखना चाहते हैं, पहले तो बुंदेली भाषा के विकास के लिए रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हुई विकास, वो हिंदी में बोल के कैसे बुंदेली को विकास हुआ? बुंदेली भाषा के विकास के लिए हम बच्चे जाई बात रखना चाहते हैं आपसे के सबसे पहले तो आप गांव देहात में प्रतिनिधि एक लोगों से बात करें और आपका हटा आगमन पर बुंदेली बोछार का हम दिल से हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। जी भैया आप आए। भैया का नाम आपको? ये अजेंद्र सिंह राजपूत। अजेंद्र भैया, बुंदेली लोग बोलत हैं तमाम सारे लोग और उन्हें शर्म महसूस करत है, काहे होती है? सचिन भैया हम विचार कर रहे थे रे, जब आप बोल रहे थे तो हमारे मन में एक विचार आया कि यहाँ हटा शहर के बुद्धिजीवी जन बैठे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसी मांग क्यों ना करें कि पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए, संक्षिप्त में पाठ्यक्रम में। बहुत बढ़िया बात कही, जरा जोरदार ताली बजा दो कि बुंदेली भाषा कम से कम कोनू भी पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए ताकि हमारे बच्चा जो छोटे बच्चा भविष्य में बड़े हुई हैं वे अपने दिमाग में बिठावे के बुंदेली को महत्व का है। जी भैया। जी भैया, जाई सोच रहे थे कि जब पाठ्यक्रम में हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे बच्चा ना, अबे क्या होता है हम अधिकतर निजीकरण की ओर ज़्यादा जाते हैं लोगों, वहाँ पर अंग्रेजी और जे थर्राटे बार, जबकि चिंतनीय बात है कि हम जुड़े तो पाठ्यक्रम में ये बात आना चाहिए, मांग भी होना चाहिए हम सबकी। जी बहुत बढ़िया बात कही और बड़ा अच्छा लगे। भैया आप बताओ, आप बोलेंगे?
जी भैया, बुंदेली भाषा को बढ़ावे के लाने का भाई चाहिए अपन को? सबसे पहले तो भैया सब जनों नमस्कार, श्याम गर्ग हैं। हमारे विचार से भाई साहब, जो अभी हमारे अजंत भाई साहब ने कहा है, हमको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। और अपने परिवार में, परिवार से अपन शुरुआत करें, अपन परिवार में कुछ शब्दों का उपयोग करें, भाषा को उपयोग करें और बोलें बच्चों के सामने। और अपन जहाँ भी जाते हैं अपनी एक छाप जरूर छोड़े होते पे। तो आपने बता दें भैया राम राम, भैया जयराम जी कहाँ गए थे, मतलब अपनी बुंदेली भाषा की छाप छोड़ के अपन जहाँ भी जावें, धार्मिक कार्यक्रम में जावें, राजनीतिक में जावें, शादी ब्याह में जावें। और जो एक विचार और है हमारे मन में, स्कूलों में जाके यदि कोई जैसे पाठ्यक्रम में भाई साहब ने कहा भी शामिल नहीं, जल्दी नहीं हो पा रही है, तो हम समाज सेवी कछु जावें और एक पीरियड के माध्यम से 10-5 मिनट को उद्बोधन दे गए अनुमति प्राचार्य की, इसकी शुरुआत कर सका था। बहुत बढ़िया बात आपने कही। और कोनू स्कूल वाले बुलावे तो हमारे तैयार हैं। भैया आप बताओ, आओ जरा मैदान में आओ, आओ सर माने बताओ भैया, बुंदेली के लायक का बची? बुंदेली बोला था नहीं आती, का कह रहे अभी वाले हैं तो गांव के, लेकिन मिली जुली आते थोड़ी हिंदी भी और इंग्लिश सब मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करके भी बोल लें तो भले ही आटे में नॉन बरोबर बोल लें, लेकिन बुंदेली जरूर बोल लें। लेकिन एक बात तो है कि बुंदेली भाषा जो है बहुत पसंद है, बोल वो थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं। और हमारे थोड़ा ये चैनल भी यूट्यूब पर हड्डा की हीरो नाम से, ऊपर भी अपन थोड़ी बहुत कॉमेडी करते रहते हैं बुंदेली में, हिंदी में। हाँ बुंदेली में भी है काफ़ी वीडियो और ऐसे जी सब सॉन्ग पे। तो बस बढ़िया, हटा के हीरो तभी बनो जब बुंदेली में आगे बढ़ो। तो हटा के हीरो को एक एपिसोड बुंदेली बौछार पे हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप बताएं भाई साहब। छोटा मैं कमलेश गौतम अभी वर्तमान में शिक्षक हूँ, पहले पत्रकारिता से जुड़ा रहा। इसके लिए बहुत सारी बातें अपन को करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो बुंदेली भाषा को जो अपन को विकास की अपन बात कर रहे हैं तो वो अपने घर के अंदर से ही निकल है। जैसे आजकल अपने बच्चा अगर आए और न कि मम्मी संदीप भैया आ गए, कहा गए थे, ऐसा नहीं बोलना पड़ा, ऐसे से बोलो माँ मम्मा संदीप भैया आए हैं, बस वहीं से बात होता ही से बात बिगड़ गई। अब वो बच्चा हो तुम कितना अच्छे कैलेंडर दिखे आओ, कच्चे वीडियो दिखे आओ, नई नई फिल्मों पे बते हो कि देखो बेटा ये सो बोलने अपने जो बाप दादा रहे आए जे सबके ऐसी बोलते जहाँ अपनी बुंदेली भाषा सुन ऐसा बोल लें, वो कैसे बोले वो तो तुमने होता ही दबा दो। तो एक ही शुरुआत अपने घर से ही करी जाए। अच्छी बात भाई, सचिन भैया कर रहे प्रयास बहुत अच्छी बात है। सुबह कितने कर ले, पहले तो तुम अपने घर ही से करो, बताओ है सही बात के नहीं? इतनी बढ़िया प्यारी बात करी। और हाँ भाई बताओ। भैया हमारा नाम है मयंक दुबे और हम जाके वो चाह रहे थे कि जैसी हमारे कमलेश विज्ञान ने कही है कि सबसे पहली प्राथमिकता तो जाई है कि आदमी अपने घर से बोलवो चालू करे। हम अपनी खुदाई बताएं, हम 1.5 साल दिल्ली में रहे हैं और जैसे देखा थे मेट्रो वेट्रो में सो आदमी कहूँ हरियाणवी बोल रहा हूँ, कहूँ पंजाबी बोल रहा हूँ। हमने अपने 3 प्रदेश के दोस्तों हों, चाहे बिहारी हों चाहे उड़ीसा के हों, उन्होंने भी बुंदेली सिखाई है, बहुत बढ़िया बताई बोल के सिखाई है। अभी आज भी जब शाम तक फोन पे संचार करत हैं तो अधिकतर भी बुंदेली शब्दों को प्रयोग करत हैं। सबसे पहली प्राथमिकता तो जाई भाव चज्जे आदमों की कि भाई हिचके नहीं और बिल्कुल नहीं हिचके, अच्छे से बात करें। और दूसरी बात यह है कि जैसे जी सरकारी शिविर जौन जौन गाँव में जैसे जी अपने बुंदेलखंड में लगती हैं, सो इनमें ये सब बातें बुंदेली में संवाद करें कि डुकरा डुकर के आउत हैं। सो सरकारी अधिकारी जौन है बुंदेली में संवाद कर हैं जब जब ये बात आगे बढ़ते हैं और जब जब कार्यक्रम जब बुंदेली की आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के सुझाव देखो आप एक से एक, इधर आ जाओ। जी भाई साहब अपना थोड़ा परिचय दे दो बुंदेली। जय बजाज दैनिक भास्कर जबलपुर से जुड़े हैं जी। 25 साल हुए पत्रकारिता में, बुंदेली की चर्चा तो बहुत है। तो हमारा निवेदन जो है तो कि अपन गांव से शुरू न करें, गौतम जी ने कही है घर से करें, हम उल्टे हैं। हम जा कह रहे हैं कि जब भोपाल और दिल्ली से करें, सरकारी नौकरी में बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में जब हमें बुंदेली बोलबो अलाउ करे तब हम जब बोल पे हैं। नहीं तो कहा है आपने कही के बुंदेली बोलो,
और हम लड़का हो जब स्कूल से सका के पहुँचे हैं और वो इंटरव्यू में बैठ हो जब बुंदेली बोले सुबह अधिकारी उतनी से बाहर कर दें, तो पहले इस देश की और इस प्रदेश की हमें संस्कृति सुधारने पड़े। हम आपको सुधार करा था जब बुंदेली भाषा नोई जाया बोली भाषा या हिंदी, आप पहले हिंदी भाषा तो सीखो। इतने बहुत से माँ साहब हरे बैठे आपके तो आधे माँ साहब हैं जी, जे के जने उतने जाके हिंदी पढ़ा रहे, आधे माँ साहब इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे और पूरे माँ साहब अपने अपने बाल बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भर्ती करा है, इंग्लिश मीडियम में एक हिंदी में एक भर्ती नहीं करा है। जे माँ साहब खुद तो सरकारी नौकरी चाहत पे लड़कों को पढ़ा रहे अंग्रेजी पे, पहले उनको हिंदी पढ़ाओ, जब वे हिंदी जान जाए फिर उनको बोली सिखाओ और बोली के संगे संस्कार सिखाओ। हमारी बुंदेली संस्कार भी दे, बुंदेली जब बोली जात अब आप अपने मताई दद्दा से बहु दद्दा से बोलो तो संस्कार अच्छे हुई हैं, तो आप भाई बोली अच्छे से बोलो और संस्कार गलत हुई हैं सो वो क्या जे लट्ठे से पटक रहे। सो दो चीज़ें आपको सिखाऊँ जो मास्टरों को सिखाऊँ, सो आपके माध्यम से इन मास्टरों से भी हम हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि आपके हाथ में जो संस्कृति बचावे को है सो आप बचा लो। हमारा मीडिया वाले सो फिर रहे कैमरा लाए कौनों की रोजी रोटी चल रही हो कौनों की शौक से कर रहा हूँ, सो हम अपनों काम भी करें और आप देश को काम करो। सो आपके माध्यम से इन्होंने से भी अपील है कि बुंदेली की भी रक्षा हो जाए, वो हिंदी भाषा की भी रक्षा हो जाए और जब देश की भी रक्षा हो जाए, सो आप जो सब मिलकर करो आप फटाफट आ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बढ़िया बात रखी बुंदेली भाषा के मान सम्मान को लेके, और सम्मान की बात है जैसे भाई साहब ने भी कही, अजीत भाई ने भी कही के जब तक उनको सम्मानित दर्जा नहीं मिले, जब तक कोनो बड़ो आदमी या सरकारी स्तर पे उनको हेत दृष्टि से नहीं देखे, तब तक बुंदेली को लेके लोगों की जो धारणा है वह बिगड़ी बनी रहे और उतनी बेहतर नहीं हुई है। भैया आप बताओ एक आखिरी बात, फिर दूसरे मुद्दे पे बात करें, आपको क्या मानव है कि बुंदेली को मान सम्मान कैसे बढ़े? बुंदेली को मान सम्मान तो अपन अपने घर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं शादी ब्याह के, पहले अपन देखा शादी ब्याह में छोटे छोटे दे तो बहुत सी लोकतियाँ होती भाजा मम्मी है गाना गाने लगाती कि मोरे समी की मूँछ जैसे कुत्ता की पूछ दसवादी के भोरा रे, लेकिन आजकल गाना कहा हो रहे शीला की जवानी, तो ऐसे गाना ना गाओ चाहिए। आज संगीत के कार्यक्रम रखो तो कम से कम पहले हो तो घर घर में शादी होती कि लाल मिर्च हरी मिर्च मिर्चें बड़ी तेज और हमारी दीदी सीधी शादी हमारी जीजा जी बड़े तेज, तो ऐसे कोटेशन लिखो ऐसी फाइल बनाओ। दूसरी बात, पहले अपने क्षेत्र में मामूलियाँ होती छोटी छोटी बच्चियों को मामूलियाँ के माध्यम से बुंदेली संस्कृति बुंदेली कला बुंदेली खेल से जोड़ो जात, आजकल वे खेल बंद हो गई, आजकल भी खेल नहीं तो भी मामूली के जैसे खेल आंगनबाड़ी में होने लगे, आंगनबाड़ी में जब गोद भराई हो रही है मंगल दवा जैसे कार्यक्रम हो रही तो शासन की योजना बनाए कि भाई जब बुंदेली संस्कृति विलुप्त हो रही है तो ये बुंदेली खेल मामूली के जैसे बनाए जाए और बुंदेली भाषा के प्रचार प्रसार में बुंदेली कवि सम्मेलन की महत्वता रखी जाए। बुंदेली कवि सम्मेलन हो, हमारे बुंदेली खंड के कवि थे आदरणीय हमारे जानकी धर्त भाई सासवाद जी, जब वे लगाते तो लोग कुर्सी पकड़ लेते, नेताओं पर लगते कि डगमग डोलन फका फरकन और तई पतर पटा इनके घरे में ठेंगो डारो पेरा दो खटखटा, तो ऐसी कविताएं होती तो अपने आप में मजा आते। अपने बुंदेलखंड के कभी जब गाना लगते कि झूठ बोले कौगा काटे काले कौगा से डर गयो, तो ये बुंदेली देखो आप कहाँ पे कितनी फेमस हो गई और बुंदेली सब यहाँ चलो यार तो अपने आप में बात तो छोड़ दे, जैसा कि फिल्मों में गीत लगे जाते ठाणे रही हो रे ओ बाखे लाल, अब उठाने शब्द ने देखो सब शब्द पर भारी पड़ गो। पदमाकर समारोह में हमारे गुरुजी दुबे जी ने बताई थी कि बुंदेली शब्द जब कविताओं में आउ थे तो अपने आप में पहचान बना लेते, जैसे बगनी में बगरो बसंत है, बगरो शब्द ने दुबे जी बता रहे थे कि वो पूरी कविता पे भारी पड़ गो तू पदमाकर जी की, तो जी ऐसी कविताएं हैं ऐसे सृजन यदि लोग करें तो अपने आप में बुंदेली फेमस हो जी। और आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे सचिन भैया, आपके माध्यम से यदि युवा वर्ग बुंदेली संवाद कार्यक्रम आप स्कूलों में रखो, बुंदेली छात्र संवाद, बुंदेली पे बुंदेली कविता संवाद, बुंदेली लोक संवाद, तो ऐसे में अपने आप लोक बधा भी जो है अब आ है। और आदरणीय डॉक्टर भैया बजाज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आए शासन ही को प्रचार प्रसार करे संस्कृति विभाग में एक स्थान न हो जाए बुंदेली भाषा के प्रचार प्रसार के लाने, और आंगनबाड़ी में महिलाओं के द्वारा जो हमारी सहायिकाएँ हैं वे बुंदेली में निमंत्रण दे भेजाएँ मामूली के जैसे कार्यक्रम कराएँ और टेसू के कार्यक्रम कराएँ, बुंदेली खेल विलुप्त हो जाए, टीपू जैसे खेल विलुप्त हो गए, लंगड़ी विलुप्त हो गई, तो ये सब करवाएं शासन तो आंगनबाड़ी पे करवाएं वार्ड स्तर पे करवाएं, इन खेलों से कहा हुआ बच्चों की मानसिकता बुंदेली की बन है, भाषा की बन है, एक दूसरे से राम राम कर है जय राम कर है, भाषा अपने आप आगे बढ़ाओ। बहुत लाजवाब बात कही है, ताली बजा दो जरा मुझे बजा, सब कुछ और कह वो चाह रहे जी भैया, हम जाके वो चाह रहे कि सौरभ भैया ने एक नई दिशा दी है, अपन अभी एजुकेशन तरफ और दूसरी तरफ पढ़ रहे थे
आपको विषय जो है जब बुंदेली ऊपर बढ़े कैसे, तो सौरभ भाई ने एक जो विषय था वो है कि हम अपने पारिवारिक संस्कारों ही से आगे बढ़ें। जैसे ब्याह में आजकल आपने मामूलिया की बात करी, और हम जा कह रहे हैं कि पहले अपने गांव में देहातों में बुंदेली के नाच गाना होते ब्याह के दौरान, सो आपने उनको महिला संगीत का रूप दे दो, आपने ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुलाई और एक कोरियोग्राफर आओ और उन्हें डांस सिखाओ और आपने पेश कर दो, ब्याह हो गो। हमारा निवेदन आपके माध्यम से जो है कि जो बुंदेली बेचार सागर संभाग और जहाँ जहाँ जा रहे हो सब जगह जा बात पहुँचाई जाए कि महिला संगीत पर आप रोक रखाओ। जो ब्याह काज में अभी ब्याह काज को मौसम भी आ रहा हूँ, बुंदेली कार्यक्रम भी जो हो गए सबके ब्याह में, दूसरे जितने खेल कूद की प्रतियोगिताएं जो स्कूलों में बंद हो गई जे फिर से शुरू हो, मामूलिया तगड़ी अगड़ी जे सब कार्यक्रम फिर आपके माध्यम से शुरू हुई हैं, तो जरूर आपको जो प्रयास बुंदेली को बढ़ावे को सार्थक हुई है, आपने हटा में जो कार्यक्रम करो इके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई सभी जनों को भी जय राम राम। लेकिन वास्तव में जाई है कि हम अपने पहले दरबार बुंदेली में करें, एक दूसरे से बातचीत बुंदेली में करें, तब हम इसको विकास कर पाए। असल में बजाज जी ने भी जो बात कही कि ऊपर से लागू भाव चाहिए चाहे इसे भाव चाहिए कि अगर ऊपर बजाज जी ने कही कि हम इंटरव्यू देवे जा रहे और हम अगर बुंदेली में दरबार कर रहे हैं अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो भेजा समझ रहे हैं क्या जगह रिंगे दे रहे, तो जब मान सकता है पहले निकालने पड़े इको अपन दूर करने पड़ा, तब हम बुंदेलखंड को विकास कर पाए, बुंदेली को भाषा को वो कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जो एक टॉपिक है तो जी पे बात रखी थी, जी बताओ। सर मेरा नाम अमन है और मैं बुंदेली का विकास क्यों नहीं हुआ हिंदी में, क्षमा करें मैं थोड़ा हिंदी भाषी चलो ठीक है हूं, लेकिन बिल्कुल ठीक है। क्या है कि मूल कारण क्या है कि इसका विकास क्यों नहीं हुआ, जैसे आपने बात की कि अन्य राज्य हैं जैसे कि बिहार है वहाँ भोजपुरी बहुत अच्छी बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, तो जब 1956 में राज्यों का बंटवारा हो रहा था और भाषाई आधार पर राज्य बन रहे थे, उस समय क्या हुआ कि हमारा जो बुंदेलखंड था उसको आधे उत्तर प्रदेश में आधे मध्य प्रदेश में कहीं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ऐसे विभाजित कर दिया गया, और जो भाषाई राज्य हमारा बुंदेलखंड बनना चाहिए था जिससे बुंदेली को पूरा अधिकार प्राप्त होता, तो वो नहीं हुआ है और उस पर राजनीति खूब हुई है, उसके नाम पर मुख्यमंत्री बने, काफ़ी वोट बटोरे गए, लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि वो क्षेत्र हमारा पिछड़ा हुआ है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया लगता है बुंदेलखंड, और हमारा भी बॉर्डर एरिया लगता है, विकास भी कुछ नहीं हुआ और साथ में बुंदेली का विकास भी नहीं हुआ, तो मैं इसको मूल कारण समझता हूँ। इसलिए हमें बुंदेली का यदि विकास करना है तो आंदोलन करके हमें एक बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए सरकार से मांग करनी चाहिए ताकि उसका विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पलक जैन आप सभी के सामने, सबको राम राम। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत ही अच्छी बात करी थी कि अध्ययन कौनों संस्कृति को करो लेकिन अनुसरण हमेशा भारतीय संस्कृति का करो। हम मतलब भारत में रह रहे हैं तो हमें अपनी संस्कृति और अपनी क्षेत्रीय बोली को न भूलो चाहिए। मतलब जब स्वामी विवेकानंद जी थे वे चाहते अगर तो वे भी बोल सकते अपने भाषण में माई डियरेस्ट सिस्टर एंड ब्रदर, लेकिन उनने अपने भाषण में क्या कही थी, उनने अपने भाषण में कही थी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मतलब हमें पहले अंदर से स्वीकार करने पड़े अपनी क्षेत्रीय बोली के लाने, बुंदेलखंडी के लाने, कौन और नया है क्या वो कह है कि इसको अपना लो और अपन अपना लें। जब तक अपने अंदर से अपनत्व नहीं आए अपनी क्षेत्रीय बोली के लाने तब तक दुनिया को कोई प्राणी अपन के लाने नहीं बुलवा सकत। अपने अंदर से आओ चाहिए जवाब कि हमें अपनी क्षेत्रीय बोली अपनाने हैं। और जैसे कि सब जनों ने कही है कि पाठ्यक्रम में भाव चाहिए, जैसे हम हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ते हैं, अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं और संस्कृत को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं। अंग्रेजी तो हमारे की भाषा ही नहीं, हम ऊको इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो कहा हम अपनी क्षेत्रीय बोली के लाने बढ़ावा नहीं दे सका। मतलब हमें एक पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय बोली लाओ चाहिए, अपनों एक उको एक कालखंड भी लगो चाहिए और उको एक पेपर भी बहुत चाहिए जी में जागरूकता फैले और लोग बोलें, बस इतना ही अपन बोलबो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।